गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई डॉक्टर रमनदीप वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 9 ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि एक्सपोर्ट को कैसे प्रमोट किया जाए और इंपोर्ट को कैसे बदला जाए अपने ही खुद की आइटम्स बना करके। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपोर्ट प्रमोशन, कि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट द एक्सपोर्ट। इसमें हम लोग देखिए, एक्सपोर्ट जब बात आती है एक्सपोर्ट की, तो बात आ गई आपकी फॉरेन ट्रेड की। तो हम लोग इसमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ेंगे डिटेल में, कि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए अपनी जो पॉलिसी बनाई है उसको हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। और इसमें 2004 से लेकर के 9 वाली पॉलिसी पढ़ेंगे, 2009 से 14 की पॉलिसी पढ़ेंगे, और उसके बाद एक नई पॉलिसी जो मोदी गवर्नमेंट में आई थी 2015 से लेकर 20 वाली। तो दो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हम इसमें डिस्कस करेंगे और क्या डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स लिए गए हैं उनको भी डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, तो हम लोग इसमें 4-5 लेक्चर बनेंगे इसके ऑनलाइन। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इन डिटेल। सबसे पहली बात है कि मीनिंग क्या है एक्सपोर्ट प्रमोशन का। एक्सपोर्ट प्रमोशन का मीनिंग है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है एक्सपोर्टर को एनकरेज करने के लिए, ताकि वो ज्यादा एक्सपोर्ट करें जितना कि वो पहले कर रहे थे। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन का मीनिंग है कि गवर्नमेंट क्या कदम उठा रही है कि एक्सपोर्टर उससे उत्साहित हो, उनको मोटिवेशन मिले ताकि वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाए। अब इस ज्यादा एक्सपोर्ट करवाने के लिए एक्सपोर्टर को गवर्नमेंट ने कुछ इंसेंटिव दिए हैं एक्सपोर्टर्स को। तो वो इंसेंटिव्स क्या क्या है। सबसे पहला कैश सब्सिडीज है, कैश में आपको सब्सिडी मिलती है अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो। बैंक लोन आपको चीपर रेट पे मिलता है। ये अगर आपको कोई भी मशीनरी या रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है इनपुट के लिए, तो उसके लिए आपको फैसिलिटीज देती है गवर्नमेंट, आपकी सहायता करेगी। फ्राइट रेट जो है, ये फ्राइट रेट है जो आपका किराया वगैरह है वो आपको कम लगेगा। इनकम टैक्स में आपको कंसेशन मिलती है, और जितना भी आपने एक्सपोर्ट से अर्निंग कमाई है उसका कुछ परसेंटेज जो है वो आप अपने लिए, जो आपने मशीन और रॉ मटेरियल मंगवाया है उसके इंपोर्ट में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए काफी कुछ कर रही है। अब बात ये आती है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करना जरूरी क्यों है, क्यों गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है। देखिए, अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, अभी फिलहाल इंडिया की क्या कंडीशन है कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कम है और हमारा इंपोर्ट ज्यादा है। तो इंपोर्ट जब आपका ज्यादा होता है एक्सपोर्ट से, तो आपको काफी पेमेंट करनी पड़ती है बाहर। जैसे हम लोग ऑयल की पेमेंट करते हैं, ऑयल जो हम बाहर से लेते हैं, इसके अलावा हम रॉ मटेरियल लेते हैं बाहर से, इसके अलावा मशीनरी ले रहे हैं बाहर से, टेक्नोलॉजी हम बाहर से ले रहे हैं। तो हमारे पास ये चीजें नहीं है। हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं, टी हो गई, कॉफी हो गई, टेक्सटाइल की आइटम्स हो गई, जूट हो गया, तो ये आइटम हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ये आइटम हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि एक्सपोर्ट ज्यादा हो। एक्सपोर्ट जब ज्यादा होगा तो आपके पास फॉरेन करेंसी आएगी। फॉरेन करेंसी जब आपके पास आएगी तो उस करेंसी को आप पे कर सकते हो अपने इंपोर्ट के लिए। और दूसरा ये, जब आप एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे तो इससे आपका जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, आपने जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जो आपने एक्स्ट्रा कर रखा है वो भी बाहर आप बेच सकते हो। तो बहुत सारे फायदे हैं एक्सपोर्ट के। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स आपके लिए ला रखी हैं। कुछ एक बातें मैंने आपको बता दी हैं कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी कदम उठाए हैं, कि आपको बैंक लोन जो है वो सस्ता मिलता है। अगर आपको रॉ मटेरियल और मशीनरी चाहिए तो उसके लिए आपको फैसिलिटीज देती है गवर्नमेंट। आपका जो फेयर वगैरह, किराया वगैरह है जो, वो कम लगता है। इसके अलावा आपको
इनकम टैक्स में थोड़ी सी आपको छूट मिलती है, टैक्स आपको कम देना पड़ता है। तो ये सारी बातें जो है वो एक्सपोर्टर को इंसेंटिव देने के लिए, एक्सपोर्टर को मोटिवेट करने के लिए है ताकि वो एक्सपोर्ट ज्यादा करें। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन जरूरी क्यों है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपका टू करेक्ट अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखिए जब आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हो तो उसका जो बैलेंस होता है उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। अगर आपका एक्सपोर्ट जो है गुड्स और सर्विसेज का अगर ये ज्यादा है इंपोर्ट से तो इसको हम बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर आपका एक्सपोर्ट जो है वो कम है इंपोर्ट से, मतलब इंपोर्ट ज्यादा है, तो इसको हम बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। इंडिया में जो है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है आपका वो हमेशा ही नेगेटिव रहा है। हमारा एक्सपोर्ट जो है वो हमेशा ही कम रहा है इंपोर्ट से, हमने इंपोर्ट ज्यादा किया है और एक्सपोर्ट कम किया है। तो इससे ना केवल हमारा हमें फॉरेन करेंसी जो है उसका रिजर्व घटा है बल्कि हमारे जो टारगेट है उसको भी हम अचीव नहीं कर पाए। तो ये हमारे लिए जरूरी है कि अगर हमने अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड ठीक करना है तो हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है टू रिड्यूस फॉरेन लोन। अब देखिए जब आप एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे तो आपको फॉरेन करेंसी मिलेगी, उस फॉरेन करेंसी से आप क्या कर सकते हो, जो आपने लोन ले रखा है उसको आप पे कर सकते हो, क्योंकि लोन की पेमेंट जो है बेटा वो हमेशा ही उसी अमाउंट में उसी करेंसी में करनी पड़ती है जिस करेंसी में आपने लिया है। अगर आपने यूएस डॉलर में लिया है तो आपको यूएस डॉलर में वापस करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल जो 2017 तक जो हमारा लोन था वो लगभग 30 लाख करोड़ का लोन है, 30 लाख करोड़ रुपए का लोन इंडिया गवर्नमेंट ने लिया हुआ है बाहर से। तो ये लोन हमें एक दिन तो देना ही पड़ेगा ना, इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। इवन तक कि ये हालत है इंडिया की कि इसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए भी हम लोन लेते हैं। तो बहुत बुरी हालत है। तो इसलिए अगर हमें फॉरेन लोन को पे करना है तो हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, उससे हमें क्या मिलेगा, करेंसी मिलेगी, उससे हम पे कर पाएंगे लोन। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस को पूरा करने के लिए देखिए हर एक कंट्री का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। तो इंडिया का भी एक मेन ऑब्जेक्टिव था जब प्लान्स बनाए थे हमने, 5 ईयर प्लान जब हमने बनाए थे तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, हम खुद का प्रोडक्शन करेंगे, खुद की मशीनरी, खुद का रॉ मटेरियल बनाएंगे, रॉ मटेरियल से खुद हम प्रोडक्शन करेंगे, कि हम फॉरेन की जो दया है उसके ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। तो इसके लिए नेसेसरी है कि हम लोग एक्सपोर्ट करें, हम लोग इतने काबिल हो जाएं कि हम लोग औरों को अपना प्रोडक्शन दे पाए। तो ये भी जरूरी है कि अगर आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, तो आप एक्सपोर्ट कीजिए, ना कि आप इंपोर्ट कर करके दूसरों पर निर्भर रहें। इसके अलावा टू सेल सरप्लस प्रोडक्शन, आपके पास इंडिया में जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है उसको बेचने के लिए भी आपको एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा। जैसे आपके पास टी है, कॉफी है, जूट है, मसाले हैं, साइकिल है, सीइंग मशीन है, ये चीजें हम लोग एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं तो इसके लिए भी हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करें। टू फाइनेंस इंपोर्ट फॉर द डिफेंस। देखिए ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट नेक्स्ट है तो इसको समझ लेते हैं। टू फाइनेंस द इंपोर्ट, देखिए आप अगर अपना एक्सपोर्ट को इंक्रीज करते हैं, एक्सपोर्ट को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो जो आप इंपोर्ट करते हैं उसके लिए आपको पैसा मिलेगा। आप बहुत सारी आइटम इंपोर्ट करते हैं उसके लिए करेंसी कहां से आएगी, वो अब आप एक्सपोर्ट करोगे तो उसके लिए आपको वहां से फाइनेंस मिल जाएगा। तो इंपोर्ट की पेमेंट करने के लिए भी आपको ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए। फॉर द डिफेंस क्या पॉइंट है, ये यूं कहता है कि आपको डिफेंस के लिए बहुत सारे ऐसी नई टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे राफेल हो गया, हेलीकॉप्टर्स हो गए, मिसाइल्स हो गई, क्योंकि इंडिया तो प्रोड्यूस करता नहीं है ऐसी चीजें। तो ये जो वार इक्विपमेंट्स हैं आपके, वेपन्स हैं, एरोप्लेन है, रफाल है, ये हम सारे इंपोर्टेड करते हैं तो इनकी जो कॉस्ट होती है वो करोड़ों रुपए में होती है, हजारों करोड़ रुपए में होती है। तो इन सबको पेमेंट करने के लिए भी आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि ज्यादा एक्सपोर्ट होगा तो क्या होगा, आपके पास पैसे आएंगे, करेंसी आएंगे, उससे आप डिफेंस की आइटम ले सकते हो।
जैसे अभी हमने रफाल लिया है, ये सब इसकी इंपॉर्टेंस है। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करना गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है, उससे आपको करेंसी मिलेगी, फॉरेन करेंसी मिलेगी, फिर आप उससे लोन दे सकते हो, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो, अपना खुद का प्रोडक्शन जो ज्यादा है उसको बेच के आप करेंसी कमा सकते हो। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट ने, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं? देखिए, बहुत सारी कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई थी। तो सबसे पहले गोरेवाला कमेटी थी, गोरेवाला कमेटी 1950 के अंदर इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी। फिर अलेक्जेंडर कमेटी थी 1979 में, फिर उसके बाद टंडन कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी है, टंडन कमेटी 1980 में, और फिर उसके बाद आबिद हुसैन कमेटी। तो ये कुछ कमेटीज टाइम टू टाइम बनाई गई हैं ताकि वो बता सकें। फिर लास्ट जो थी रंगराजन कमेटी थी, रंगराजन कमेटी 1991। तो इन कमेटीज ने बहुत सारी सजेशंस दिए हैं एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। तो उनके सजेशन को मानते हुए हम लोग कुछ मेजर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। गवर्नमेंट ने बहुत बढ़ावा दिया है कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। देखिए, हम लोग किस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं, तो उसमें टी है, कॉफी है, जूट है, ये चीजें हम लोग ज्यादा बनाते हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट किए हैं कि इनका प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए। गवर्नमेंट इनको बहुत सारे इंसेंटिव देती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने यह भी तय किया है कि कुछ नए प्रोडक्ट जो हम लोग अच्छा बनाते हैं और जिनकी फॉरेन में अच्छी डिमांड है, उनको भी ज्यादा प्रोडक्शन किया जाए। उसमें आपका क्या आ गया, उसमें आपकी मशीनरी हो गई, जेम एंड ज्वेलरी हो गई, इसके बाद फैंस हो गए, इलेक्ट्रिकल फैंस, ये भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, साइकिल हो गई, आयरन हो गया, हैंडीक्राफ्ट हम लोग, हमारा बहुत फेमस है जो हाथ से हम चीजें बनाते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स हैं। तो इन इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट काफी कुछ कर रही है, इनको इंसेंटिव देती है, इनको लोन वगैरह जल्दी मिलता है, इनको टैक्स कम देना पड़ता है। दूसरा है, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं। तो वो इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। उनका मेन काम यही है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाए गए हैं। तो ये क्या करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी अलग अलग काउंसिल बनी हुई है। तो ऐसी 19 काउंसिल हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए वो काम करती हैं। तो वो क्या करती हैं, इन चीजों को, ये जो प्रोडक्ट है इनके प्रमोशन के लिए वो बहुत सारा काम कर रही है। इसके अलावा ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी हमने बनाई है 1970 के अंदर, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई थी। इसका मेन काम क्या है, स्मॉल और मीडियम लेवल की जो एंटरप्राइजेस हैं उनको हेल्प करना और उनकी एक्सपोर्ट कैपेसिटी को बढ़ाना। इसके अलावा हमने सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल बनाई है ट्रेड के ऊपर 1978 में। तो इसका मेन काम है एडवाइस करना किसको, ये जो कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, छोटी मोटी जितनी भी कंपनीज हैं, इसका मेन फंक्शन यही है कि ये गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि किन किन चीजों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाए और कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए। फिर उसके बाद हमने फेडरेशन बना रखी है, इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की फेडरेशन है। इसका फेडरेशन का मेन काम ये है कि ये अलग अलग जो एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करती है और कोशिश करती है कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़े। फिर हमने इसके बाद एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एडवाइजरी बनाई हुई है जो ये क्वालिटी चेक करती है, इंस्पेक्शन करती है एक्सपोर्ट की आइटम्स का, और आपको अच्छी क्वालिटी के गुड्स को ही आगे एक्सपोर्ट करती है ताकि इमेज बनी रहे। फिर हमने एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी ऑफ कॉरपोरेशन बना रखा है, ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन। इसका मेन काम क्या है कि ये जब आप फॉरेन में एक्सपोर्ट करते हो तो आपको क्रेडिट फैसिलिटी देता है और इसके बाद पेमेंट आएगी या नहीं आएगी उसके लिए आपको गारंटी भी देते हैं। तो ये कॉरपोरेशन भी हमने बनाया हुआ है। फिर हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकिंग बनाई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकिंग जो है वो सजेशन देती है कि पैकिंग कैसे होनी चाहिए, अच्छी पैकिंग करोगे तो ज्यादा आपका प्रोडक्ट बिकेगा फॉरेन के अंदर, क्योंकि उसमें हाइजीन होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए पैकिंग की। फिर कॉमोडिटी बोर्ड बनाए हुए हैं, ये बोर्ड है। कॉमोडिटी बोर्ड का मतलब गवर्नमेंट ने कुछ बोर्ड इस्टेब्लिश किए हैं। इसमें 5 आइटम्स को लिया गया है। 5 आइटम कौन कौन सी है, तो इसमें आपका टी हो गया,
कार्डमम हो गया, इलायची, रबड़ हो गई, कोयर हो गई, और इसके बाद सिल्क। इन पांच के लिए आपने अलग से बोर्ड ही बना रखे हैं। तो टी को एक्सपोर्ट करने के लिए टी बोर्ड है आपके पास, इंडियन टी बोर्ड। कार्डमम के लिए अलग से है क्योंकि इनकी काफी डिमांड है। रबड़ के लिए, कोयर के लिए और सिल्क के लिए अलग से बोर्ड ही बना दिए हैं। तो इनका मेन काम क्या है, एक्सपोर्ट ज्यादा करना और हेल्प करना। इसके अलावा हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बना रखा है जिसको हम बोलते हैं एक्सिम बैंक। एक्सपोर्ट, ईएक्स से एक्सपोर्ट हो गया और आईएम से इंपोर्ट हो गया। एक्सिम बैंक का मेन काम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जितने भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो इस बैंक के थ्रू होती हैं। बोर्ड ऑफ ट्रेड भी बना रखा है हमने ताकि वो एडवाइस करे कि एक्सपोर्ट कैसे करना है हमने। तो ये सब हमने इंस्टीट्यूट बनाए हुए थे। तीसरा मेन काम क्या है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का, पब्लिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स। देखिए, इंडिया के जो गुड्स हैं उसकी पब्लिसिटी करने के लिए फॉरन के अंदर, बाहर अब्रोड के अंदर उसकी पब्लिसिटी करने के लिए ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया हुआ है। ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो आपका दिल्ली में ट्रेड फेयर लगता है ना, तो ये ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये 1977 में हमने बनाई थी। तो ये क्या करती है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज करती है, जो आपने दिल्ली में देखा होगा, दिल्ली में जो ट्रेड फेयर लगता है नवंबर में, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स भी आती हैं, तो वहां से आप उनको काफी नॉलेज मिलती है। तो मुंबई में हमने इंडियन काउंसिल ऑफ ट्रेड एग्जीबिशन भी लगाया है। तो ये क्या करते हैं, विदेशों में जाते हैं और अपने शोरूम वहां डिस्प्ले करते हैं, शोरूम बनाते हैं अपने और इंडियन प्रोडक्ट्स को वहां शो करते हैं, एग्जीबिट करते हैं भी, हम लोग ये आइटम्स बनाते हैं आप लोग ले लो। ट्रेनिंग इन फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड के अंदर कैसे काम होता है उसके लिए हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड बनाया हुआ है, IIFT। जैसे IIM है ना, उसी तरह IIFT भी बना हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसका मेन काम क्या है, ये ट्रेनिंग देता है कि आप फॉरेन ट्रेड कैसे करो, क्या प्रोसीजर है, कि कैसे इसकी तैयारी करनी है, वो सारा। इसके अलावा हमने WTO के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। WTO जो 1995 में बना था उसमें वर्ल्ड की लगभग सारी कंट्रीज ही हैं, तो 2018 तक उसमें 164 कंट्रीज थी, इंडिया उसका फाउंडर मेंबर है। तो इन सब कंट्रीज के साथ आप बहुत कम रेस्ट्रिक्शंस के ऊपर आप आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, तो इससे इंडिया को काफ़ी हेल्प मिली है एक्सपोर्ट करने में। तो ये जो कंट्री हैं आपस में काफ़ी सहयोग करती हैं एक दूसरे की आइटम लेने देने में, बहुत कम टैक्स लगाती हैं, तो इससे भी हमें बहुत फायदा हुआ है। नेक्स्ट आपका है स्टार एक्सपोर्ट हाउस। तो ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी आपकी 2015-20 में, जो अभी जो चल रही है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसमें हमने एक नई कैटेगरी शुरू की है स्टार एक्सपोर्ट हाउस नाम से, कि हम लोग जो जो हाउसेज एक्सपोर्ट करते हैं, जो कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही हैं, उनको हमने स्टार देते हैं हम। तो इसमें क्या होता है कि जो अच्छे एक्सपोर्ट हाउसेज हैं उनको 5 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है, और जितने अच्छे स्टार वो लेंगे उतनी ही उनको अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी। तो 1 स्टार आपको किसको मिलेगा, अगर आप 3 मिलियन का एक्सपोर्ट करते हो एक साल में तो आपको 1 स्टार मिल जाएगा। अगर आप 25 मिलियन तक का एक्सपोर्ट करते हो तो आपको 2 स्टार मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आप 3 स्टार मिलेंगे आपको 100 मिलियन के ऊपर, 4 स्टार आपको मिल जाएंगे 500 मिलियन के ऊपर, और 5 स्टार आपको मिल जाएंगे 2000 मिलियन के ऊपर। तो अगर आप 2000 मिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट करते हो तो आपको गवर्नमेंट 5 स्टार हाउस के नाम से कैटेगरी देगी आपको। तो इसका फायदा क्या होगा, एक तो इसको आपकी जो कस्टम क्लियरेंस है वो फास्ट होगी, आपका प्रोसीजर जो होगा, जो भी गवर्नमेंट उसको प्रायोरिटी पर रखेगी, जल्दी जल्दी क्लियर करेगी सारी फाइलें। दूसरा, आपको बैंक गारंटी वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं होती, आपको छूट मिलती है बैंक गारंटी वगैरह देने में। तीसरा, आपको लोन वगैरह क्रेडिट वगैरह बहुत जल्दी मिल जाता है, बहुत ही कम रेट के ऊपर, और आपको जो परमिशंस लेनी होती हैं उसमें भी आपको छूट मिलती है। तो ये सारी चीजें अगर आप अच्छा एक्सपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट आपको बहुत हेल्प करती है। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे एक्सपोर्ट इंस्टीट्यूशंस खोल रखे हैं फॉरेन ट्रेड के लिए। तो उसमें सबसे पहला है स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। 1956 के अंदर हमने स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन बनाया था। इसका मेन काम क्या है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। तो इसमें स्टेट जो है वो
गवर्नमेंट लेवल पे ही एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती है। दूसरा आपका है मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। तो मिनरल्स और मेटल के लिए आपने अलग से कॉरपोरेशन बनाया है 1963 में। ये क्या करते हैं, ये अपने लेवल पे एक्सपोर्ट करते हैं मिनरल्स का और मेटल्स का, तो इसके लिए हमने एक अलग से कॉरपोरेशन बना दिया है। हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के लिए आपने अलग से कॉरपोरेशन बना दिया है। ये जो आपकी हाथ से बनी हुई आइटम है, हैंडलूम की जो भी आइटम है, उसके लिए आपने एक अलग से कॉरपोरेशन बना रखा है। केश्यू के लिए अलग से कॉरपोरेशन है, केश्यू मतलब काजू के लिए, तो काजू इंडिया का काफी बिकता है बाहर, तो उसके लिए आपने काजू को एक्सपोर्ट करने के अलग से कॉरपोरेशन बना रखा है। तो ये कॉरपोरेशन के अंडर काम करते हैं, एक पूरी गवर्नमेंट की तरफ से कंपनी है ये। प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, आप जो इक्विपमेंट बेचते हो, आप जो प्रोजेक्ट बनाते हो बड़े बड़े, जैसे इंडिया जो है वो, इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं, इंडिया के जो इंजीनियर हैं, वो उनकी फॉरेन में भी काफी डिमांड है, तो उसके लिए आपने अलग से कॉरपोरेशन ही बना रखा है। तो ये लोग इक्विपमेंट और प्रोजेक्ट जो अपने बेचते हैं, तो ये प्रोजेक्ट इक्विपमेंट और स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। स्टेट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, तो स्टेट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन आपने बना रखी है। हर एक स्टेट के अंदर आपको स्टेट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन मिलेगी, जिसका मेन काम यही है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए। उसके बाद आपका मीका ट्रेडिंग कॉरपोरेशन बना रखा है। मीका होता है अबरक, अबरक एक किस्म से एक धातु है, तो उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं काफी, उसके लिए भी आपने एक अलग से कॉरपोरेशन बना रखा है। उसके बाद एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन आपने खोल रखे हैं। गवर्नमेंट ने कंट्रीज में अलग अलग जगहों पे ना 7 एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन खोल रखे हैं, जिनका मेन काम यही है कि वो सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं वहां से। तो ये जो जोन है वो कहाँ कहाँ पे है, वो जो जोन है वो आपका कांडला में है, इसके बाद नोएडा, कोचीन, चेन्नई और विशाखापट्टनम, इन जगहों पे आपने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बना रखे हैं, इसको हम बोलते हैं ईपीजेड। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये जोन बना रखा है, इसमें स्पेशली एक्सपोर्ट को प्रमोट करने वाली एक्टिविटीज होती हैं और सारी चीजें आपको सारी सुविधाएं यहीं मिलेंगी। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक गवर्नमेंट ने इंडियन करेंसी को जो है वो डिवेल्युएट किया था। डिवेल्युएशन का मतलब होता है कि करेंसी की जो वैल्यू है उसको नीचे लाना, तो उसको बोलते हैं लोवरिंग द वैल्यू ऑफ द करेंसी। जैसे अभी आपका $1 जो है वो 70 रुपए के लगभग है मान लो, तो अभी आप 70 रुपए देने पड़ते हैं आपको $1 के, तो गवर्नमेंट क्या करती है 70 की बजाय उसको डिवेल्युएट कर देती है, वो 80 रुपए कर देगी। तो इसको बोलते हैं डिवेल्युएशन, कि अब 70 से आपने 80 कर दिया, तो इसका मतलब डिवेल्युएशन हो गया है, कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हुई है। तो इंडिया ने 3 बार डिवेल्युएशन किया है, एक आपका 1949 में किया था, एक आपका 1996 में किया था और एक 1991 में किया था। तो 1996 में हमने 35% वैल्यू को कम कर दिया था, 1991 में हमने 20% वैल्यू को कम कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपोर्ट फाइनेंस। गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहती है, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट खोले हैं, जैसे कि कमर्शियल बैंक्स हैं, ये जो आपके बैंक हैं SBI, IDBI, IFCI, ICICI, ये बैंक जो हैं ये काफी हेल्प करते हैं उन कंपनीज की जो एक्सपोर्ट करना चाहती हैं। इसके अलावा ECGC है, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन, जो आप एक्सपोर्ट करते हो उस टाइम आपको जो क्रेडिट चाहिए या गारंटी चाहिए वो आपको ECGC कॉरपोरेशन देता है। इसके अलावा आपने एक्जिम बैंक खोल रखा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जितने भी लेन देन होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वो इसके थ्रू होगा। तो इस तरह से हमने ये जो इंस्टीट्यूशन खोल रखी हैं ये आपकी बहुत हेल्प करती हैं एक्सपोर्ट करते टाइम। फिर आपका ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स, गवर्नमेंट ने काफी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट किए हुए हैं, कुछ ऐसे लोग जो ट्रेड रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया की तरफ से। उनका फंक्शन क्या होता है कि वो सर्वे करते हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर, ये रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं ट्रेड के मामले में, और ये सर्वे करते हैं फॉरेन कंट्री के अंदर, देखते हैं कि इंडियन के गुड्स कहाँ कहाँ बिक सकते हैं, कौन कौन सी मार्केट में। तो उसमें हमने इस तरह के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स को लगाया हुआ है, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाकर के देखते हैं कि आपका प्रोडक्ट कहाँ बिक सकता है।
फिर आपका है फिस्कल मेजर। तो फिस्कल मेजर के लिए, फिस्कल मेजर का मतलब है कि टैक्स से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड गवर्नमेंट आपको क्या हेल्प कर रही है। तो गवर्नमेंट ने कुछ फिस्कल मेजर्स ले रखे हैं। एक तो आपको जो आप एक्साइज ड्यूटी देते हो, जो आप एक्साइज ड्यूटी देते हो इंपोर्ट करते टाइम, एक्सपोर्ट करते टाइम, और दूसरा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो सारे के सारे आपके रिफंडेबल हैं। रिफंडेबल मतलब जो भी आपने पेमेंट कर दी वो आपको वापस मिल जाएगी। तो इसका मतलब टैक्स में आपको और एक्साइज ड्यूटी में छूट मिलती है। इसके अलावा आपको कैश असिस्टेंस भी मिलती है, कैश सब्सिडी मिलती है आपको, कैश असिस्टेंस मिलती है। कैश असिस्टेंस का मतलब गवर्नमेंट आपको कोई मदद भी करती है कैश के अंदर। इसके अलावा आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है, जो भी आप प्रॉफिट कमाते हो कुछ साल तक, या उसका कुछ पार्ट आपको इनकम टैक्स उस पर कम देना पड़ता है या देना ही नहीं पड़ता। तो एक्सपोर्ट के ऊपर जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर आपने कोई इनकम टैक्स नहीं देना है, ये एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए है। दूसरा, अगर आपको एक्सपोर्ट करते हो जब आप, तो उसके लिए अगर आपको कोई रॉ मटेरियल फॉरन से चाहिए, कोई मशीनरी चाहिए, कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, अगर आपको सीमेंट रबड़ या कुछ भी चाहिए, तो वो आपको कंसेशनल रेट पे मिलता है, उसके ऊपर आपको ड्यूटी कम दी जाती है, ड्यूटी बहुत कम देनी पड़ती है। तो इस तरह से आपको गवर्नमेंट काफी टैक्स के मामले में, सब्सिडी के मामले में, एक्साइज ड्यूटी के मामले में, इन सब चीजों में आपकी बहुत हेल्प कर रही है कि आप ज्यादा एक्सपोर्ट करो। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सेटिंग अप एक्सपोर्ट जोन। तो गवर्नमेंट ने कुछ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भी खोले हैं, वो पॉइंट जो हम पहले कर चुके हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोटिंग जोन। तो गवर्नमेंट ने मुंबई के अंदर, चेन्नई के अंदर, नोएडा के अंदर, कोचीन के अंदर, विशाखापट्टनम में, तो यहाँ पे स्पेशल जोन ही बना दिया। जोन का मतलब एक पर्टिकुलर ऐसी, ऐसा एरिया है जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट से रिलेटेड आइटम ही बनती हैं और सारे का सारा एक्सपोर्ट ही होता है। तो इनको, ये सारे के सारे वर्ल्ड के अंदर अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इनको कोई टैक्स नहीं देना होता, इनको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है इनको, तो बहुत सारे इनको कंसेशन मिलते हैं ताकि वो फॉरन के अंदर अपना एक्सपोर्ट कर सकें। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने स्पेशल जोन ही बना रखे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। फिर उसके बाद है फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज। ये पॉइंट क्या कहता है कि फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग का क्या मतलब है कि जो भी आपने फॉरन से एक्सपोर्ट करके कमाया है, आपने एक्सपोर्ट किया, आपको करेंसी मिली फॉरन की, इस करेंसी को आप पूरे का पूरा रुपी में कन्वर्ट कर सकते हो और उसको अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो। तो इससे आप कोई भी चीज बेच सकते हो, कोई भी चीज खरीद सकते हो, जितना भी आपने पैसा कमाया है वो तो पूरे का पूरा करेंसी जो आपको फॉरन से मिला है उसको आप फुल्ली कन्वर्ट कर सकते हो रुपीज के अंदर। आपको यूं नहीं है कि आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, आप गवर्नमेंट आपको देगी नहीं। जितना, मान लो आपने $5,00,000 कमाए हैं, तो ये $5,00,000 आप कन्वर्ट करवा लो रुपीज के अंदर और अपना प्रोडक्शन में लगा लो, कोई भी चीज आप खरीदो बेचो, गवर्नमेंट को कोई इससे फर्क नहीं है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। फिर हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए हैं जिसको हम बोलते हैं सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। गवर्नमेंट ने 19 सेज अभी तक बना चुकी है गवर्नमेंट। तो इसमें जो आपको एक्सपोर्ट यूनिट आप लगाते हो इन सेज के अंदर, उनको बहुत सारा कंसेशन मिलता है। तो सेज का जो एक्ट पास हुआ था वो 2005 में पास हुआ था। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर अगर आप अपनी कोई यूनिट लगाते हो एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उसमें आपको 5 साल तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, आपको बिजली वगैरह है और फैसिलिटीज है वो सारी सस्ती मिलती है, गवर्नमेंट आपकी बहुत मदद करती है, इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी कम होता है, तो ये सब चीजें आपको हेल्प करती हैं। तो गवर्नमेंट ने ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाए हुए हैं। फिर उसके बाद बात आती है स्पेशल एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। स्पेशल एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम जो है वो 2015-20 की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसमें आई थी। तो पहली स्कीम क्या है, मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, MEIS। तो ये स्कीम क्या है कि जो आप गुड्स बेचते हो, मर्चेंडाइज जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए आपको स्कीम दी गई है। तो ये जो MEIS स्कीम है, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आपको कितना बेचना पड़ेगा, क्या करना है। तो इसमें आपने क्या कर रखा है, कुछ एक स्पेशल मार्केट्स आपने चूज कर रखी है कि हम यहाँ पे अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, और उसमें आपको अगर आप बेचते हो इन चीजों को, एक्सपोर्ट करते हो इन मार्केट्स के अंदर, तो गवर्नमेंट आपको ड्यूटी क्रेडिट देती है।
ड्यूटी क्रेडिट, मतलब आपने जो ड्यूटी पे की है इनके ऊपर वो आपको वापस क्रेडिट हो जाएगी 2 से 5% तक। मतलब क्या है कि मान लो आपने यूएसए के अंदर कोई प्रोडक्ट बेचा है आपका, तो जब आप प्रोडक्ट बेचते हो एक्सपोर्ट करते हो तो आपको कुछ ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो ये जो ड्यूटी आपने पे की है इसका 2 से लेके 5% तक, 2 से लेके 5% तक आपको वापस मिल जाएगा। और इस ड्यूटी को आप कहाँ लगा सकते हो, इस ड्यूटी से आप एक्साइज ड्यूटी पे कर सकते हो, कस्टम ड्यूटी पे कर सकते हो, सर्विस टैक्स पे कर सकते हो। ये काफी अच्छी फैसिलिटी है। इसी तरह हमने, ये तो आपका प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के लिए था, अब हमने सर्विस के एक्सपोर्ट के लिए भी एक स्कीम बनाई हुई है, SEIS, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ये स्कीम भी 2015-20 की जो पॉलिसी है उसमें दी हुई है। तो ये स्कीम भी आपको 3 से लेके 5% तक ड्यूटी क्रेडिट देती है कि आप जो सर्विस बेचते हो उसके ऊपर जो आपको ड्यूटी देनी होती है उसका 3 से 5% आपको वापस मिल जाता है। तो इसमें भी कोई कंडीशन नहीं है कि आप ड्यूटी क्रेडिट जो है वो कैसे कमाओगे। तो ये भी एक अच्छी स्कीम है। तो अगर कोई भी इस स्कीम को, अगर आप कोई सर्विस बेच रहे हो तो अगर आपको इसके लिए एलिजिबल होना है तो कम से कम आपको $10,000 का तो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कमाना पड़ेगा। कम से कम $10,000 आपकी अर्निंग होनी चाहिए नेट, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे अगर आप एक सोल प्रोपराइटर हो। और अगर आपकी कोई कंपनी है या कोई बिजनेस है आपका बड़े लेवल पे, तो $15,000 की अगर आपको नेट अर्निंग हो रही है तब आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो। तो प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट के लिए हमने MEIS लगा रखी है स्कीम, और सर्विस एक्सपोर्ट के लिए हमने SEIS स्कीम लगा रखी है, जिसमें आपको क्या मिलता है 3 से 5% क्रेडिट मिलते हैं ड्यूटी के ऊपर। तो ये काफी अच्छी फैसिलिटीज हैं। फिर उसके बाद असिस्टेंट टू एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्टर को आप क्या मदद करते हो, तो एक्सपोर्टर को मदद करने के लिए हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बनाए हुए हैं, एक्सपोर्ट हाउस बनाया हुआ है वो जो पहले आपको मैंने बताया था। और उसके अलावा आप स्पेशल असिस्टेंस भी देते हैं हम एक्सपोर्टर को। क्या असिस्टेंस मिलती है हमको, गवर्नमेंट उनके लिए मार्केट रिसर्च करके देती है, गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है कि कहाँ मार्केट उनकी बन सकती है, उनकी एक्सपोर्ट की पब्लिसिटी करती है गवर्नमेंट, ये जो ट्रेड फेयर वगैरह लगते हैं। इसके अलावा एग्जीबिशन भी गवर्नमेंट आपकी तरफ से लगा सकती है, अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो गवर्नमेंट उसको फॉरन में एग्जीबिट करती है। गवर्नमेंट आपको R&D फैसिलिटी भी देती है। इसके अलावा गवर्नमेंट आपके लिए ऑफिस और ब्रांचेस भी खोलती है फॉरन के अंदर। तो ये सब हेल्प आपको गवर्नमेंट कर रही है। इसके अलावा प्रमोटिंग एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो देखिए सर्विस सेक्टर भी इंडिया में काफी प्रमोट हो रहा है। हम जो सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो मेडिकल सर्विसेज हैं, चाहे वो टेली कम्युनिकेशन है, चाहे वो BPO है, ये सर्विसेज हम बाहर देते हैं, ये भी काफी ग्रो कर रही है। तो इंडिया ने इसके लिए भी काफी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए काफी फैसिलिटीज दी हैं, उनको इनकम टैक्स में रिलीफ मिलती है सर्विस एक्सपोर्टर को। इसके अलावा इंडिया ने एक स्पेशल ब्रांड शुरू किया है, सर्व फ्रॉम इंडिया ब्रांड, सर्व फ्रॉम इंडिया कि ये इंडिया से सर्व हो रहा है, ये ब्रांड है फॉर प्रमोटिंग द सर्विसेज ऑफ द एक्सपोर्टर्स। तो अगर कोई भी सर्विस एक्सपोर्टर जो सर्विस दे रहा है फॉरेन के अंदर, अगर वो 5 लाख से ज्यादा की सर्विस दे रहा है, अगर उसका टर्नओवर जो है वो एक्सपोर्ट जो कर रहा है 5 लाख से ज्यादा है, तो वो इस ब्रांड के अंडर काम कर सकता है। अगर मान लो आप कोई सर्विस दे रहे हो और 5 लाख से ऊपर आपकी फॉरेन एक्सपोर्ट जो आपका है 5 लाख से ऊपर का है, तो आप ये ब्रांड ले सकते हो, आप अपने सर्विस के अंदर ये लिख सकते हो कि सर्व फ्रॉम इंडिया ब्रांड। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट काफी इसमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट काफी कुछ कर रही है। तो ये क्वेश्चन जो है ये 14 मार्क्स में आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन बनता है ये। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कल हम लोग देखेंगे कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है और एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए सजेशन क्या है, और प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इंडिया का प्रमोट क्यों नहीं हो रहा है, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ क्यों नहीं रहा, ये सब बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।